दिग्रस शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों छोटे बड़े दुकानदारों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तर्ज पर दिग्रस शहर में शनिवार को वडवाला जिन सब्जी मंडी में व्यवसायियों सब्जी विक्रेताओं सहित यहां बोझा ढोने वाले करीब 250 मजदूरों की कोरोना जांच की गई। इस मौके पर भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हुए लोगों में कोविड-19 के नियमों को लेकर कसब की बेफिक्री नजर आई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों और नियमों के पालन में बरती जा रही कोताही कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर लोगों की बेफिक्री की ओर इशारा कर रही है। ऐसा ही बेफिक्री से भरा नज़ारा शनिवार को शहर के वडवाला जीन में देखा गया। यहां पर सब्जी के नीलामी के लिए आए व्यवसायियों और सब्जी विक्रेताओं सहित अन्य लोगों की कोविड जांच शुरू की गई। इस दौरान बार बार अपील करने के बाद भी लोग भीड़ से अलग होने को तैयार नहीं दिखे। बहरहाल इस मौके पर कोविड केयर के डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों सहित तहसीलदार राजेश वजीरे, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी केसी बानोत, नगर परिषद मुख्याधिकारी टाले, कोविड केयर मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार और अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। तहसीलदार राजेश वजीरे ने इस जांच के संदर्भ में BCN को जानकारी देते हुए शहर के व्यापारी वर्ग से अपनी जांच कराने की भी अपील की। दिग्रस तालुक्यामध्ये गेल्या महिनाभरापासून आपण बघतोय की कोरोनाचे पेशंटची जी संख्या आहे ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे। त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी दिग्रस तालुक्यातील सर्व जे व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत, दुकाने आहेत किंवा भाजी विक्रेते, दूधवाले किंवा इतर घरोघरी जाऊन जे व्यवसाय करतात, तसेच सर्व शासकीय कार्यालय, या सगळ्यांची कोरोना चाचणी करून घेणे अनिवार्य केलेले आहे। त्या अनुषंगानेच आपण आज येथे भाजी मंडीमध्ये सकाळी हर्राशीच्या ठिकाणी सर्व जे भाजी विक्रेते आहेत त्यांची रॅपिड टेस्टद्वारे कोरोना चाचणी घेतलेली आहे आणि यातून आपल्याला जास्तीत जास्त चाचण्या घेऊन यामधून जे पॉझिटिव्ह पेशंट असतील त्यांना वेगळं काढून हा संसर्ग आपल्याला रोखायचा आहे। त्याकरता मी सगळ्यांना पुन्हा विनंती करेल की आपण आपली कोरोना चाचणी करून घेणे अनिवार्य आहे आणि त्याचे प्रमाणपत्र आपण प्राप्त करून घ्यावे, तरच आपल्याला आपला व्यवसाय सुरू ठेवता येईल। शहर के बाजार, सार्वजनिक जगहों सहित लगभग हर चौक चौराहों पर धड़ल्ले से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन जारी है। यह समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना संक्रमण, कोविड-19 की जांच और वैक्सीनेशन को लेकर लोग बड़े पैमाने पर गलतफहमी का शिकार है या सब कुछ मालूम होते हुए भी वे अपनी बेफिक्री का मुजाहिरा कर रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, बतौर नागरिक हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहकर कोविड-19 के नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि कोरोना संक्रमण के चलते शुरू की गई लॉकडाउन, कर्फ्यू और विभिन्न कड़ी शर्तों के साथ ही कोरोना संक्रमण से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। दिग्रस से BCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।